हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो मैम, आज हम लोग कौन सा चैप्टर लेकर के आए? सो चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं एनसीईआरटी सेकंड की। तो इसमें हम लोग लेकर के आए टोटल पैराग्राफ्स 13 और टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें 20। तो 20 ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं और यस उसी सर, से रिलेटेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज पूछे गए। सर वेटेज की बात करें तो 2020 में 3 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पिरामिड के पिरामिड की तो 12 क्वेश्चन 147, 152, 151, 152, 149, 154, 156 आर द इम्पॉर्टेंट पेजेस फॉर दिस चैप्टर। तो पहला पैराग्राफ हमारा रिलेटेड है टाइफाइड से। पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेस टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। द पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम। सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है कितनी डिग्री सेल्सियस से? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस में। क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में पूछा गया है? 19 and 20 में। नेक्स्ट सेम सर 19 में यहाँ से पूछा गया था विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर टाइफॉइड। यहाँ पर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइफी। और इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट। विडाल तो टेस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट फिर दिया बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये निमोनिया के लिए। और निमोनिया कैसा है? ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एल्वियोलाई वगैरह को ये अफेक्ट करेगा। विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई? एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। और ये 20, 21 और 23 में। इसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो डिफ्थीरिया का कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए। प्लेग का अर्सीनिया पेस्टिस। पेस्टिस और डिसेंट्री, डिसेंट्री जो होगी वो अमीबिक डिसेंट्री भी हो सकती है, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी हो सकती है। तो एंटामीबा एस्टोलिटिका और शिगेला, ये यस दो सर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन पैसेज बट नॉट द लंग्स। और राइनो वायरस जो है ये इसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज है, 2018 में पूछा गया है और 2012 में और 2015 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट। कॉमन कोल्ड और निमोनिया में डिफरेंस, तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड कैसा है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और निमोनिया कैसा है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई, वेयर एज द कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाइफॉइड यस, साल्मोनेला, निमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, फाइलेरियासिस हो गया, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और मलेरिया हो गया प्लाज्मोडिया। तो ए का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। जी नेक्स्ट है सर हमारे पास मलेरिया। तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। और उसमें भी अगर मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोअन में भी एक है स्पोरोजोअन, और स्पोरोजोअन का एक मेंबर है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कॉज करता है क्या? मलेरिया। इज इट टिनी प्रोटोजोअन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज? डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम जैसे कि वाइवैक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपैरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, जिसमें सबसे ज्यादा मेलिग्नेंट अगर मलेरिया कॉज करता है तो वो कौन कॉज करता है? फैल्सी पैरम। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन द स्पोरोजॉइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज हर बॉडी। तो अगर बात करी जाए इन्फेक्टिव स्टेज की, तो इन्फेक्टिव स्टेज अगर मस्किटो के लिए बात की जाए, डाइजेनेटिक है, दो होस्ट चाहिए इसको। तो अगर मस्किटो की बात करें तो उसके लिए गैमेटोसाइट, और ह्यूमन के लिए क्या हो जाएगा? स्पोरोजॉइट्स।
एसेक्सुअल साइकिल चलती है इसकी ह्यूमंस में और सेक्सुअल साइकिल चलती है इसकी मस्किटो में। तो जब ये स्पोरोजॉइट्स जाते हैं फिर उसके बाद ये ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, तो जब ब्लड सेल को ये रप्चर करते हैं नए ब्लड सेल्स को अटैक करने के लिए, तब ये सब्सटेंस रिलीज करते हैं हीमोजोइन, और हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स एंड फीवर के लिए जो 3 से 4 दिन के बीच में आते रहते हैं। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पे इन लोग को याद रखने हैं। The infectious stage of plasmodium that enters the human body. तो human body के लिए मैम ने जैसा बताया स्पोरोजॉइट्स। इसके बाद फिर मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन मोटाइल जाइगोट ओकाइनेट स्टेज होती है, और ये किसको गॉल बोगाट ऑफ फीमेल एनाफिलीज में ये प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का ए। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एंटामीबा हिस्टोरेटिका के बारे में। सर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये छोटी छोटी बीमारियां बहुत 21 21 23 21 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अमीबिक डिसेंट्री का कॉज है। डिसेंट्री हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में बताया था, बैक्टीरियल भी हो सकती है अमीबिक भी हो सकती है। तो अमीबिक का कॉज हुआ एंटामीबा हिस्टोरेटिका, प्रोटोजोअन पैरासाइट है और किस पार्ट को अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये भी ध्यान रखना। Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain and cramps, stool with excess mucus and blood clots. और यहाँ पर housefly क्या है, ये mechanical carrier है, ये ध्यान रखना। फिर Bucheraria bancrofti and Bucheraria malei इसकी species दी हुई है। क्या cause करते हैं, filariasis या इसी को commonly बोला जाता है elephantiasis या हाथी पाँव, और ये होता क्यों हुआ है, क्योंकि lymphatic vessels जो है उनमें obstruction हो जाता है, lymph का flow obstruct हो जाएगा, कहीं पर भी अगर फ्लो रोक दिया जाएगा तो स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसी वजह से हाथी पाव नाम दिया गया है। तो सर अगर बात करें इधर फाइलेरियासिस की, तो बच्चों को भी कुछ आंसर करने हैं। फाइलेरियासिस अभी हम लोग ने पढ़ा था मलेरिया, और नया जो ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो इन तीनों का वेक्टर इन लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, फाइलेरियासिस का भी, मलेरिया का भी और डेंगू एंड चिकनगुनिया का। नेक्स्ट है मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। क्या कॉज करते हैं रिंगवॉर्म्स, इचीनेस होता है, ड्राइनेस होता है, स्केल्स लेसन्स आ जाते हैं, तो ये सब किसके फीचर्स हैं आपके रिंगवॉर्म्स के। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स। तो लिम्फैटिक वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से, एलिफेंटियासिस में देखने को मिलेगा, बुचेरेरिया की वजह से होगी। इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय, तो एस्कैरिस से एस्कैरियासिस हो जाता है, यस सर, और इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और ये किसकी वजह से होगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस। इसके बाद मैच लिस्ट वाज विद वन विद टू रिंगवॉर्म, तो मैंने बताया था माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन, फाइलेरियासिस बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी मलेरिया एंड मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, और निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो ए सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, और मैचिंग में बहुत ज्यादा इसमें पूछा भी जाता है डिजीजेस, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 2010 15 17 19 और 20, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होगी, टी सेल्स की वजह से, बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, और इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज रिलीज होंगे, यस सर। तो इसी बारे में दिया हुआ सेकंड टाइप जो है सेल मीडिएटेड, द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट लिवर किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी। और ट्रांसप्लांटेशन में जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और कैंसर के अगेंस्ट कौन सी इम्यूनिटी वर्क करती है वो आपको बताना है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर इसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एज वी ऑल नो एक्टिव, एक्टिव मतलब बॉडी जो है वो एक्टिव है, मतलब खुद से एंटीबॉडीज बना रही है, और पैसिव इम्यूनिटी अगर उसको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे दिए जाएंगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी बनेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स।
यहाँ पर स्लो होगी एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में तो कि कोलेस्ट्रम किस किस टाइप की इम्यूनिटी में आता है, और नेक्स्ट हमारी जब स्नेक वेनम के अगेंस्ट जब हम लोग को यस सर, तो कौन सी तो कौन सी हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होगी, स्लो स्लो होगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो इसमें आता है एनालिस्टिक रिस्पॉन्स वो फास्ट होगा। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स इज स्लो। जी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। मतलब सर ने अभी बताया था ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। की वजह से। इसके बाद है येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन एज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू और IgA किसको मिलता है? मिल्क के थ्रू। जो येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम जिसको बोलते हैं इनिशियल डेज में जब लैक्टेशन शुरू होगा तब आता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ये इसके एग्जाम्पल्स हैं पैसिव इम्यूनिटी के और नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हुए क्योंकि यहाँ पर नेचुरली एंटीबॉडीज मिल रहे हैं और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। फिर इसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। किस पे बेस्ड है? मेमोरी इम्यूनिटी पे पर। इन वैक्सीनेशन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी और इसके अगेंस्ट फिर यहां पर एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज ज्यादा बन के प्रोड्यूस तैयार हो होते हैं। जाती तो हैं। ये हो गया हमारा एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल। नेक्स्ट कोलोस्ट्रम है कोलेस्ट्रम। द येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज़ इट कंटेन्स। अभी सर ने बताया था IgA। जी नेक्स्ट है द एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। क्या कॉज करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है? IgE। कौन सी एंटीबॉडी? IgE। कौन सी लिम्फो सॉरी कौन सा WBC रिलेटेड है? इओसिनोफिल्स। अब आपको ये बताना है कि अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो रिलीज क्या होता है और उसके अगेंस्ट हमें देना क्या चाहिए पेशेंट को। तो ये कमेंट सेक्शन पे आंसर करिएगा जरूर। नेक्स्ट हमारे पास हायर वर्टिब्रेट्स जैसे कि यूकैरियोट्स। हायर यूकैरियोट्स की बात करें कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। कि मतलब फॉरेन एजेंट को पहचानने की जो क्षमता होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अगर वो अपने ही सेल को ना पहचान पाए, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जेनेटिक, कोई डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को ना पहचान पाए और उसी को अटैक करने लगे, तो इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही वर्क करने लगा। और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आर सोसाइटी एज एन ऑटो इम्यून डिजीजेस। और उसके साथ साथ आपकी एक और दी हुई है मेस्थेनिया ग्रेविस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। यस सर, मिस्थेनिया ग्रेविस। और एक डिजीज ऑटो इम्यून और दी हुई है हमारे NCERT में, वो बच्चों को कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो इन हायर वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। ये प्रॉपर्टी अगर लॉस्ट हो जाए ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था ऑटो इम्यून डिजीजेस। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी 2017 में पूछा गया था। और माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी अभी आंसर 50%। फिर इसके बाद एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक्वायर्ड डिजीज है पहली चीज, और यहाँ पर होगा क्या, इम्यूनोस इम्यूनिटी जो होगी वो डेफिशियंट हो जाती है। कौन सी? बी सेल्स और टी सेल्स, मेनली टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स अफेक्टेड होती हैं और ये लेकिन हेल्प करती हैं बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में।
ओवरऑल इम्यूनिटी यहाँ पे अफेक्टेड होगी। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मतलब ये सिंस बर्थ नहीं हो गया एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल कंजेनाइटल। डिजीज। तो इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर मदर से फीटस को जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल बोलेंगे या एड्स को कॉन्जेनाइटल बोल सकते हैं नहीं। तो एड्स इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल, इट इज एक्वायर्ड, क्योंकि एक्वायर्ड नाम में लिखा हुआ है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, किनको ज्यादा चांसेस है, इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली क्योंकि ये नीडल शेयर करते हैं, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ये इन्फेक्टेड ब्लड है, हेल्दी डोनर को हेल्दी रेसिपिएंट को चला गया तो वहां पे हो जाएगा, और बच्चों को जा सकता है थ्रू मदर। फिर इट इज हेंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट एचआईवी और एड्स इन्फेक्टेड पर्संस आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू, तो जिससे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये टच या कॉन्टेक्ट से नहीं ऐसा फैलती है। कंटेजियस टाइप की डिजीज नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। फिर इसके बाद एच आई वी एंटर्स इन टू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, और इसके बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का जब नंबर लेस देन 200 हो जाता है तब उसको हम लोग एड्स लेबल करते हैं। तो मेनली इसमें कौन सी सेल्स अफेक्टेड होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। फिर ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा जो है इसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलाइजा इज स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है इसके लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट वो या तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर पीसीआर, पीसीआर जो रैपिड डिटेक्शन के लिए, इससे आप वायरस का आरएनए जीनोम वगैरह डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसके द्वारा कंफर्म किया जाएगा अगर एलाइजा पॉजिटिव है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग पॉजिटिव एजेंट एचआईवी, तो एचआईवी के लिए क्या है, एनवेलप्ड वायरस है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये गलत है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, दो मॉलिक्यूल इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के भी हैं। तो सेकंड, एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, तो ये कब शो किया जाएगा, जब यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स का नंबर काफी कम हो जाएगा, जब इनका काफी डैमेज हो चुकी होगी, तो व्हेन एचआईवी डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। इसके बाद इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, इन कैंसर सेल्स देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी किसकी है, नॉर्मल सेल्स की, कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा, तो कैंसर सेल्स जो होंगी वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करती हैं इस प्रॉपर्टी के लॉस होने की वजह से। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2012 और 2011 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, तो सर यहाँ पे दिया हुआ है दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो अभी सर ने बताया नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ना कि कैंसरस सेल की। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी, तो मतलब ये किसको इफेक्ट करेगा, सीएनएस और जीआईटी को। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन विच इज अ वाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, जब हम लोग मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है, हीरोइन या स्मैक, और वो ज्यादा महंगा होता है मॉर्फिन से। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट है जनरली टेकन बाय स्नॉर्टिंग या फिर इंजेक्शन से, 2023 से यहाँ पे क्वेश्चन बना है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, कैसा ड्रग है, डिप्रेसेंट है, डिप्रेस कर देता है, बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देगा। नेक्स्ट है जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर दियर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये यहाँ बताया गया है कैनाबिनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में बताया गया सर, कैनाबिनॉइड्स के बारे में,
जैसे कि चरस, गांजा, हशिश, ये सब भी इसमें आते हैं कैनेबिनाइड्स के अदर पार्ट्स में, जैसे कैनबिस सटाइवा के इनफ्लोरेसेंस से हम बनाते हैं कैनेबिनाइड्स, और बाकी ये जो पार्ट्स हैं उससे चरस, गांजा, हशिश ये सब भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास कोका एल्कियोलाइड या कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। कहाँ का है? साउथ अमेरिका का है। किसको इंटरफेयर करता है? न्यूरोट्रांसमीटर को। कौन सा? डोपामाइन। कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। अब इसका यूज कैसे किया जाता है कि एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशन। लेकिन सर ये जो इसका यूज हम लोग एनर्जी गेन करने के लिए, जैसे जो रेस में दौड़ते हैं घोड़े या फिर इंसान, इंसान भी तो दौड़ते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इसी वजह से डोप टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। अदर वेल नोन प्लांट्स आर मेंटल इलनेस विद डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया आर ऑफन ऑब्यूस्ड। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। पहले इसका यूज किया जाता था बट बाद में पता चला कि ये नार्कोटिक है, फिर हम लोग नॉन नार्कोटिक्स की तरह शिफ्ट कर गया। एनाल्जेसिक ये भी है लेकिन ये नार्कोटिक है, और हम लोग ने फिर बाद में शिफ्ट कर लिया नॉन नार्कोटिक्स की तरफ। तो ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, तभी बताया था एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। 2019 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनेशिक ड्रग? तो LSD। मॉर्फिन कैसा होता है? यस सर, मॉर्फिन कैसा होता है? सिडेटिव होता है, डिप्रेसेंट होता है, ना कि हेलुसिनेशन कॉज करता है। तो ये वाला जो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है धतूरा का, और धतूरा कैसा होता है? अल्ट्रोपा बेलाडोना, और धतूरा कैसे हैं? हेलोसिनेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे जो ड्रग्स अब्यूजर होते हैं वो अगर वो ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम तक उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, या फिर तो उनको वॉमिटिंग होने लगेगी या शेकीनेस आ जाएगी, नोजिया आ जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो ड्रग छोड़ने की या किसी भी टाइप के अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को बोला जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। मतलब बॉडी उनको छोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन साथ ही साथ मांग भी रही है। नेक्स्ट हमारे पास द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर, एंड लिवर डैमेज को बोलते हैं सिरोसिस। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। तो साइरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल। तो यहां तक हमने सर 20 क्वेश्चन और 13 पैराग्राफ्स पूरे डिस्कस कर दिए। आप NLI वर्सेस NEET भी देख सकते हैं, सेम टू सेम मैचिंग का क्वेश्चन, सेम टू सेम मैचिंग फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास 2022 का क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 2022 का ही क्वेश्चन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। नेक्स्ट है सर हमारे पास 2023 का क्वेश्चन। तो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था HIV undergoes replication and produces progeny virus। तो एड्स किसकी हेल्प से अपने बाकी के सेल्स को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग आई थी रिंगवॉर्म, फाइलेरियासिस, मलेरिया एंड निमोनिया। सेम टू सेम क्वेश्चन मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया एंड एलिफेंटियासिस, जिसका दूसरा नाम है फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स। तो ये सारे ड्रग्स यहाँ पे भी पूछे गए थे। तो यहाँ तक सर हम लोग ने पूरा डिस्कस कर दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। तो बच्चों आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए, कुछ और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी बताइए। सिंह सर आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए लास्ट मोमेंट में हमेशा तैयार है। वैसे हम लोग और भी कई रैपिड फायर और काफी सिंह सर के पास अभी भी है जी सर, तो बच्चों के लिए लेकर के आने वाले हैं, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना यही हमारा उद्देश्य है, टीम न्यू लाइट का उद्देश्य है, डॉक्टर एस पी सिंह सर का उद्देश्य है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।